अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट तेज़ी से रिड्यूस हो, वेट आपका स्टक ना हो और उसके साथ साथ आपका फैट रिड्यूस भी हो, आपका बेली रिड्यूस भी हो और आपका वेट भी रिड्यूस हो, वो भी हेल्दी वे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जो कि हेल्दी है और 100% इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस डाइट प्लान को 30 डे तक रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका वेट 8-10 केजी इजीली रिड्यूस हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका जो फैट है वो भी रिड्यूस होगा, बेली भी कम होगा और इंचेस लूज होते हुए भी आप लोग देखेंगे और इस डाइट प्लान के 100% रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो काइंडली फुल वॉच कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, वो भी चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी आपने अपना वेट लूज करना है तो आप चेक कर लें कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है। यहाँ पे मैं चार्ट शेयर कर देती हूँ, आप सब देख लें कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट जो है वो कहाँ पे वेरी करता है, कितना आपका आइडियल वेट है। अगर आपने अपना वजन तेजी से रिड्यूस करना है तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म किस तरह फास्ट होता है और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए या फिर डेड हो जाए तो उसकी वजह से आपका वजन एक तो बहुत स्लो रिड्यूस होता है। आप कुछ भी कर लें, जो मर्जी डाइट प्लान फॉलो कर लें, एक्सरसाइज कर लें, लेकिन आपका वेट जो है वो या तो बहुत स्लो रिड्यूस हो रहा होता है या स्टक हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया या बिल्कुल डेड हो गया। मेटाबॉलिज्म को अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो आपको वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ईजी से आपका वेट लूज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी और हेल्दी वे में आपका 100% वेट लूज होगा ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म को हम किस तरह फास्ट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को जो चीज़ें डेड करती हैं उसमें आ जाता है ऑयली फूड, फ्राई फूड, हाई कैलोरीज वाली जितनी भी चीज़ें हैं, फास्ट फूड, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है या डेड हो जाता है। उसके बाद अगर आप वेट लूज जर्नी में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एफर्ट ना करनी पड़े और इजीली आपका वेट लूज हो जाए तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच कीजिएगा, आपके काम की ये वीडियो है। और इसके अलावा आपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो आपने ऑयली फूड, ये सारी जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा शुगरी प्रोडक्ट, शुगरी फूड जितना भी है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, शुगर भी आ जाते हैं, इन चीज़ों से भी आपने अवॉइड करना है। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को डेड कर देती हैं जिसकी वजह से फिर आपका वेट लूज नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो तेज़ी से रिड्यूस हो और स्टक भी ना हो, फिर आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप माचा टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जो कहवे वगैरह होते हैं वेट लूज़ के, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपका वेट जो है वो इजीली रिड्यूस होता है और साथ साथ जो आपका बेली है, बेली जो निकला हुआ है उसको भी रिड्यूस करने में ये कहवे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, वो है प्रोटीन फूड। आपने प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल करना है, जैसे एग्स, पनीर, आप एग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं। इसके अलावा चिकन, फिश, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया, दालें, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट लूज भी होगा, आपका फैट लूज भी होगा और आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी बूस्ट करेगा और उससे आपको वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। तो प्रोटीन रिच फूड जो है वो डेली लाइफ में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आपने इस्तेमाल नहीं करना वो है राइस, आप वाइट राइस कम से कम कर दें और वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट आटा, वाइट ब्रेड, जो वाइट फ्लोर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें थी जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपका वजन जो है वो तेज़ी से रिड्यूस हो और आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। अगर आप अपना वजन कम करने के लिए सीरियस है ना, तो सबसे पहली ये चीज़ आती है जो आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। अगर आप एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं या कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसको रेगुलर फॉलो करना है। ये नहीं कि दो दिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन भी छोड़ दिया और फिर फॉलो करना स्टार्ट हो गए, या फिर आपने एक वीक फॉलो किया उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया, तो ऐसे फिर आपका जो है वो वेट लूज नहीं हो पाता। अगर आप रेगुलर डेली फॉलो करते हैं तो एक तो आपका वजन जो है वो तेज़ी से रिड्यूस होता है, स्लो नहीं होता, स्टक नहीं होता और दोबारा गेन भी नहीं होता। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान, और डाइट प्लान में सबसे पहली चीज़ आ जाती है मॉर्निंग टी, जो कि आपने रेगुलर फॉलो करनी है 30 डे तक, और सेम एक ही मैं टी बता रही हूँ, सेम आपने इसी को फॉलो करना है डेली। ठीक है, आपने 1 टेबलस्पून वाइट जीरा लेना है, उसको या तो रात में भिगो के रख दें या सुबह 1 टेबलस्पून जीरा आपने 2-3 मिनट जस्ट बॉईल करना है 1 कप
वाटर में, और उसके बाद इसको ठंडा होने दें और छान के इसको पी लें। अगर आप इसमें लेमन स्क्वीज़ करके डालना चाहते हैं तो लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसमें गुड़ और हनी का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लें, 2 से 3 मिनट उसको बॉयल दें और उसके बाद छान के पी लें। पीना आपने सिप कर करके, इसके बाद 15 मिनट आपने वेट करना है और उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा, ये जो ज़ीरा टी है, एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपकी जो बॉडी का फैट है उसको लूज़ करने में या उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपका बेली फैट है या बेली निकला हुआ है उसको भी लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आपके इंच लूज़ भी होंगे और आपका बेली रिड्यूस भी होगा। और सुबह आपने इसको निहार मुंह पीना, यानी एम्प्टी स्टमक पीना है, और उसके बाद आप वॉशरूम से फ्री हों और 10 से 15 मिनट बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट भी जो मैं आपको देने वाली हूँ बहुत इजी है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। इसके अलावा जो डाइट प्लान है इसको सब फॉलो कर सकते हैं। जिनको हार्मोनल इशू है या थायराइड का इशू है वो अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस डाइट प्लान को फॉलो करें। इसके अलावा सब इसको फॉलो करके ईजिली अपना वेट लूज कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है वो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कर लेना है। तो ब्रेकफास्ट की पहली ऑप्शन है, आप 2 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आप 1 से 2 ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप 1 या 2 एग का ऑमलेट बना सकते हैं होप वेजिटेबल डाल के, या फिर आप फ्राई एग के साथ 2 ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऑमलेट बना लें या एग को बिल्कुल कम ऑयल में फ्राई कर लें, 2 ब्रेड के साथ ले लें, और इसके साथ आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। जिनके बच्चे मदर फीड पे हैं वो ब्रेकफास्ट में लो फैट मिल्क का 1 ग्लास जो है वो पी सकते हैं विदाउट शुगर। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, जो वेजिटेरियन है वो पनीर सैंडविच बना सकते हैं। इसके अलावा वो वेजिटेबल सैंडविच भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड या फिर आपने मल्टीग्रेन ब्रेड का ही इस्तेमाल करना है। तो ये होगी हमारी ब्रेकफास्ट की इजी सी ऑप्शन, और इन सारी ऑप्शन के साथ आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है या फिर आपने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, वो भी नहीं कर सकते। जिनको मिल्क टी पीना पसंद है वो मिल्क टी पी सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में 1 दफ़ा, या तो आप मॉर्निंग में पी लें या फिर आप शाम में पी लें, ठीक है, लेकिन विदाउट शुगर और विदाउट गुड़ आप मिल्क टी पी सकते हैं ओनली 1 टाइम। तो ब्रेकफास्ट करने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करनी है, या फिर आप एक्सरसाइज कर लें जिसमें ज़्यादा उछल कूद नहीं होती, बेसिक एक्सरसाइज वो भी आप कर सकते हैं अपने रूम में, और बाहर जाके हल्की फुल्की वॉक भी कर सकते हैं आप सीढ़ियाँ भी उतर चढ़ सकते हैं और छत पे जाके भी आप वॉक कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट तकरीबन आपने 7 से 8 बजे के बीच में किया, तो 10 से 11 बजे के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप 1 ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेपफ्रूट का ये फ़ायदा है कि जो आपकी बॉडी का फैट होता है उसको लूज़ करने में, उसको बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप डेली 1 ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच हम तकरीबन दिन के 2 बजे करेंगे, और लंच करने से पहले आपने तकरीबन 15 मिनट पहले 1 ग्लास लूक वार्म वाटर ज़रूर पीना है और सिप कर करके पीना है। 1 ग्लास पानी पी लेंगे तो आपकी भूख जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जितना आप लंच में खाना चाहेंगे उससे बहुत कम क्वांटिटी में खाएंगे। अपनी भूख को कंट्रोल करें, कम क्वांटिटी में खाएं, तो कभी भी आपका वेट जो है वो लूज़ होने के बाद गेन नहीं होगा। ये जो डाइट प्लान होते हैं इसका मकसद यही होता है कि आपको कम क्वांटिटी में खिलाया जाए। जब आप 30 डे तक रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका स्टमक ऑटोमेटिक जो है वो भी कम खा के सेटिस्फाइड हो जाता है। तो लंच की ऑप्शन भी अफोर्डेबल है, ईजी है, और सब इसको फॉलो कर सकते हैं। लंच की पहली ऑप्शन है, आप रेड लोबिया की चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट के साथ भी और विदाउट योगर्ट भी। 250 ग्राम आप लोबिया लें, उसमें खूब सारी वेजिटेबल डालें और 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा बाउल बन जाता है। अगर आप 250 ग्राम बॉयल लोबिया लेते हैं उसमें वेजिटेबल ऐड करते हैं, आपने उसमें पोटैटो ऐड नहीं करना, बाकी सारी वेजिटेबल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। तो डेली आप 1 बाउल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ब्लैक चने की चाट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खूब सारी वेजिटेबल डाल के, और आप योगर्ट डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो 1 बाउल, आप छोटा जो 1 बाउल है उसका इस्तेमाल करें। थर्ड ऑप्शन है, आप चिकन टिक्का ले सकती हैं 250 ग्राम तक, उसको स्टीम कर लें या आप टिक्का बना के वो खा सकती हैं, और साथ में योगर्ट और सैलड का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ठीक है, चिकन ले लें, उसको फ्राई नहीं करना। अगर आप फ्राई करना चाह रही हैं तो बिल्कुल 1 टेबलस्पून में आप चिकन को फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल में आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। बेस्ट है कि आप या तो एयर फ्राई का इस्तेमाल करें, या फिर आप चिकन टिक्का बना लें, या फिर आप चिकन को स्टीम कर लें। एक सैलड की प्लेट लें, साथ में योगर्ट का बाउल इस्तेमाल करें, इससे आपका पेट भी फुल हो जाएगा, आपको प्रोटीन मिलेगा
और आपको वेट लूज और फैट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप डेली इन ऑप्शन का इस्तेमाल करें जो मैंने लंच की बताई है। इसके बाद बारी आ जाती है इवनिंग स्नैक की। तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में आप इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप 2 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अफोर्डेबल है। इसके अलावा पीनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैंड्स ऑफ जितनी आपके हाथ में पीनट्स आ जाएं उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक भुने हुए चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जितने आपके हाथ में आ जाएं, या 50 ग्राम आप ब्लैक भुने हुए चने उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने यूज़ करनी है ग्रीन टी या अदरक टी या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी। आपने मिल्क टी अगर आप सुबह के टाइम पे इस्तेमाल कर लिया ना तो आपने इवनिंग में इस्तेमाल नहीं करनी। जो मिल्क टी पीने के शौकीन है ना, ये सिर्फ ऑप्शन उनके लिए है कि वो दिन में जस्ट 1 कप मिल्क टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी विदाउट शुगर। और इसके बाद तकरीबन डिनर से 1 घंटा पहले आपने 1 टेबलस्पून इसमगोल लेना है। इसमगोल का छिलका उसको आपने रूम टेम्परेचर पानी में भिगो के रख देना है। 5 मिनट आप भिगो दें, उसके बाद वो फूल जाएगा, वो आप पी सकते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में खा रहे हैं। अक्सर लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इशू ना हो तो फिर आप रेगुलर जो है 1 टेबलस्पून इसमगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो डिनर है उसे 1 घंटा पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं डिनर की। और डिनर का जो टाइम है वो फिक्स है कि 8 बजे से पहले पहले आपने अपना डिनर फिनिश कर लेना है। सोना आपने 10 बजे तक है, लेकिन जो डिनर है वो आपने 8 बजे तक फिनिश कर लेना है। कोशिश करें कि 6 से 7 बजे के बीच में ही आपका डिनर फिनिश हो जाए। जो एंड टाइम है, जो डेडलाइन होती है डिनर की, वो 8 बजे है। अक्सर जो है वो काफ़ी लेट डिनर करते हैं और उनका सोना भी लेट होता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आपने डिनर टाइम पे करना है, सोना भी टाइम पे है और सुबह उठना भी टाइम पे है। और डाइट प्लान के साथ साथ आपने अपनी एक्टिविटी पे भी ध्यान ज़रूर देना है। तो आपने वॉक एक्सरसाइज डेली करनी है। तो डिनर की भी सिंपल और ईजी ऑप्शन देने वाली हूँ जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। तो डिनर की फर्स्ट ऑप्शन है, आप मसाला ओट्स बना सकते हैं। मसाला ओट्स बनाने के लिए आपने 3 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं और कुछ वेजिटेबल ले लेनी है। जितनी भी वेजिटेबल आपको पसंद है उनको आप छोटे पीसीज में काट लें, उसको क्रश कर लें। उसके बाद आप जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद 3 टेबलस्पून आपने उसमें ओट्स शामिल करना है और आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद आप 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसको पका लें और ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसका टेस्ट सेम वैसे ही होता है जैसे हम पास्ता या नूडल्स वगैरह खाते हैं। तो ये हेल्दी है, इसमें फाइबर है, एक तो आपका पेट बहुत देर तक फुल रखेगा और आपको भूख बिल्कुल भी फील नहीं होगी। आपका पेट भी फुल रहेगा और आपका वेट लूज भी होगा। और इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है, आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको स्टीम कर लें या एयर फ्राई कर लें, या फिर आप फिश टिक्के का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दाल बनी हुई है तो आप एक दाल का बाउल ले लें, उसमें खूब सारी वेजिटेबल ऐड करके आप स्पून से ये खा सकती हैं। और आपने ऑयल हटा देना है और कोशिश करनी है कि जो भी आप खाना बना रहे हैं या जो भी खा रहे हैं वो कम से कम ऑयल में हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप डिनर में ओट स्मूदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप ओट्स लें और एप्पल स्मूदी बनाना चाहें, बनाना स्मूदी बनाना चाहें या स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाना चाहें, आप वो बना सकते हैं। और जो मिल्क आपने इस्तेमाल करना है वो लो फैट मिल्क होना चाहिए और 1/2 ग्लास आपने मिल्क का इस्तेमाल करना है। ये ओट स्मूदी आप एज अ डिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, इससे आपको वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फाइबर है इसमें, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आपकी बॉडी का फैट लूज भी होगा और इससे आपको बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप एनी काइंड ऑफ सूप बना सकते हैं। आप वेजिटेबल सूप बना सकते हैं, आप एग सूप बना सकते हैं, आप चिकन सूप बना सकते हैं। इसके अलावा आप मशरूम सूप भी बना सकते हैं, आप कॉर्न सूप भी बना सकते हैं, आप किसी भी किस्म का सूप बना सकते हैं। 1 बाउल आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं डिनर में। तो डिनर करने के बाद बारी आ जाती है ब्लैक टी की, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये भी आपने रेगुलर फॉलो करनी है, यानी 1-2 दिन फॉलो किया उसके बाद छोड़ दिया, बीच में फिर स्टार्ट कर लिया, बीच में छोड़ दिया, नहीं। आपने जो भी डाइट प्लान फॉलो करना है या जो भी रूटीन फॉलो करनी है जो मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ, उसको रेगुलर फॉलो करना है तो ही आपको जो है वो अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि 1 महीने में आपका हेल्दी वे में 8 से 10 किलो वजन रिड्यूस हो तो आपने रेगुलर हर चीज़ को फॉलो करना है। तो ब्लैक टी बनाने के लिए आपने 1 टेबलस्पून सौंफ लेनी है और 1 पिंच आपने अजवाइन लेनी है, 1 आपने लेनी है ग्रीन इलायची। इसको आपने 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है 1 कप ऑफ वाटर में और उसके बाद इसको छान के आप पी लें। इसमें आपने शुगर हनी का इस्तेमाल नहीं करना, आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हैं। तो ये जो नाइट टी है ये डिनर के तकरीबन 1/2 घंटे बाद लेनी है और 10 बजे तक आपने सो जाना है। इसके अलावा आपने अपनी नींद का ध्यान जरूर रखना है। 8 घंटे
की नींद आपने रात में ज़रूर पूरी करनी है और 6 से 8 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीने है, और कोशिश करनी है जो पानी है वो आप शाम से पहले पहले फिनिश कर लें, रात में अपना पानी कम कर दें और सुबह और दिन में जितना चाहे आप पानी पी लें। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आपके जो भी रिजल्ट होंगे वेट लूज के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी आपसे जो है वो मोटिवेट होकर अपना वेट लूज कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।